हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपका ये हमारा टीचर लेसन 5 चल रहा है, जंगल का बगावत धर्म के राष्ट्रपाल की बात का समय। लास्ट वीडियो में मैंने आपको उसके 3 पॉइंट समझा दिए थे। बीच में वो थोड़ी कट भी हो गई थी वीडियो, उसी को वहीं से आगे से हम कंटिन्यू करेंगे, सुधारों को किया। अब आपने देखा था कि अंग्रेजों ने जो था भारतीय समाज में कुछ सुधार नहीं किए, उन्होंने सती प्रथा को रोका और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। सती प्रथा के बारे में मर जाता था तो उसे उसके पति की अति के साथ जलने के लिए मजबूर किया था, जिंदा जलने के लिए। तो वो सती प्रथा से तो हम जो है उस सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना। दूसरा ये था कि अगर उस समय में जो कोई स्त्री का पति मर जाता था तो सती नहीं होती थी तो उसको बड़ा बुरा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। उसके खाने पीने पर भी रोक थी, रहने बाहर आने जाने सब चीज़ों पर रोक होती थी। तो अंग्रेजों ने कहा और उसको दोबारा विवाह करने की इजाज़त दी। ये गलत है, अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन की समाप्त हो गया है, उसे भी आगे दोबारा से जीने का अधिकार है। तो उन्होंने कहा कि विधवा स्त्रियों को दोबारा से विवाह करना चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने कई दूसरे नियम बनाए। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने ईसाई 1850 में ईसाई मिशनरियों को कहा कि आप अपने धर्म का प्रचार करो और अपने धर्म से प्रचार से रिलेटेड जो भी आवश्यक आपस में क्या कहते हैं पक्षपात की वजह से कि अंग्रेजों के जो अंग्रेजी सैनिक थे और जो भारतीय सैनिक थे तो दोनों के बीच में काफ़ी पक्षपात था। उनके खान पान में, उनकी तनख्वाह में और उनके रहने के लिए उनके साथ पक्षपात किया जाता था। इस वजह से सैनिकों के बीच में विद्रोह था। ये धीरे धीरे ये विद्रोह चलता रहा और जन विद्रोह यानी जनता के बीच में भी आना शुरू हो गया, क्योंकि जो सैनिक थे उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो भारतीय किसान थे। तो जब वो बाहर आते थे तो अपने किसान के बीच में अपने परेशानियों के बारे में डिस्कस करते थे, तो लोगों के बीच में क्रोध उत्पन्न होना शुरू हो गया। तो ये विद्रोह जो था वो धीरे धीरे जन विद्रोह बनना शुरू हो गया। 1857 में उत्तरी भारत में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जीत और शासन के 100 साल बाद, जीत और शासन करने के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा। और 1857 में शुरू हुए इस विद्रोह से कंपनी का जो अस्तित्व था वो खतरे में पड़ गया। अब ये विद्रोह जो था वो मेरठ से दिल्ली तक पहुंच गया। अब एक युवा सिपाही आपने सुना पाओगे पहले की नाम मंगल पांडे। मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने अस्त्रों पर हमला कर दिया और उसके आरोप में उनको 29 मार्च 1857 को फांसी दे दी। तब ये मंगल पांडे को फांसी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी। तो इसकी वजह से क्या था, जब सिपाही ने देखा कि हमारा एक सिपाही जो है जातियों के विरुद्ध दूसरे आवाज उठाई और बदले में उसको क्या मिला, फांसी की सजा मिली, तो दूसरे जो सिपाही थे उनके बीच में विद्रोह उत्पन्न हो गया और धीरे धीरे बाकी सारे सिपाही जो थे वो इस विद्रोह में शामिल होते गए। उन्होंने क्या किया, कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से मना कर दिया। उनका कारण सजा सुनाई गई। ये सजा जब हुई थी बाकी बच्चे सैनिकों में और ज्यादा रोष उत्पन्न
दो पर उतर आए और उन्होंने जो मेरठ में तैनात अन्य भारतीय सिपाही को सजा सुनाई गई थी वो जेल पर हमला कर दिया 10 मई को उन्होंने और अपने सिपाहियों को आजाद करा दिया। उसके बाद 10 मई को ही रात को कुछ सिपाही जो थे वहाँ गोली उठाकर वो मेरठ से दिल्ली पहुँच गए, क्योंकि वो ये मानते थे कि हम सब मिलकर बगावत करेंगे, बगावत जब हम करेंगे तो हमारा एक कंपनी के विरुद्ध एक राजा भी होना चाहिए जो इस बगावत की अगुवाई करे। तो उनके दिमाग में एक नाम आ रहा था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का, तो उन्होंने कहा कि मैं बहादुर शाह जफर को तो अपना बादशाह मान के इस बगावत को आगे बढ़ाए। इसलिए वो 10 मई को मेरठ के कुछ भाई की एक टुकड़ी जो थी वो अंधेरे ही अंधेरे में घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली पहुँच गई और उन्होंने बूढ़े बूढ़े बादशाह को सिपाही को उन्होंने के लिए विवश किया कि आप हमारे इस बगावत की अगुवाई करो और आप हमारे साथ शामिल हो जाओ। राजा को सिपाहियों की इस मांग के आगे झुकना पड़ा और उसने क्या किया, उन्होंने पत्र लेकर देश के सारे और जो शासक थे जो अंग्रेजों के शासन से आजाद होना चाहते थे उन राजाओं को पत्र लिखकर एकत्र किया और उनका एक संघ बना दिया, भारतीय राजाओं का एक संघ बना दिया और बहादुर शाह के इस कदम के काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले थे। अब बगावत जो भी हो अब आगे आने पर बगावत फैलने लगे, एक एक करके हर रेजिमेंट यानी अलग अलग टुकड़ियाँ होती थी सैनिकों की, एक टुकड़ियों का एक नाम एक समूह होता था उनको रेजिमेंट हो जाते थे। तो उससे पहले एक टुकड़ी में फिर दूसरी टुकड़ी में फिर तीसरी टुकड़ी में ऐसे विद्रोह हुआ। अब आगे क्या हुआ, एक एक करके हर रेजिमेंट के सिपाहियों के बीच में बगावत करती थी, कानपुर दिल्ली लखनऊ सब जगह जो थे वो टुकड़िया एक विद्रोह में शामिल हो गई थी और बाकी सिपाहियों की मदद के लिए आगे आना शुरू हो गया था। इसके साथ साथ ही जो आम लोग थे गांव के लोग थे वो विद्रोह में मुखिया जमींदार स्थानीय नेता गांव के किसान वो सब इस बगावत में शामिल होते चले गए और ये बगावत काफी बड़े रूप में फैल गया। और जब बगावत बड़े रूप में फैल गई तो कंपनी ने चुप तो बैठना नहीं था, कंपनी ने भी पलट के बात करना था बगावत को रोकने के लिए, तो कंपनी का पलट हुआ, कंपनी ने भी इस भाषण प्रकोप के बाद अंग्रेजों ने भी हिम्मत नहीं आ रही और उन्होंने बड़ी ही मशक्कत के साथ इस विद्रोह को कुचलने का निश्चय किया कि किसी भी हाल में विद्रोह को रोकेंगे। उन्होंने अब इस विद्रोह को रोका और 1857 में विद्रोह को उछला और दिल्ली पर दोबारा से कंपनी ने अपना कब्जा कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको आजीवन कारावास यानी जितना समय मिलता था वो सारा जेल गिरफ्तारी के लिए उनको दंड दिया गया, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई, उनको और उनकी पत्नी जीनत मैन को 1858 में देश से निष्कासित करके रंगून की जेल भेज दिया गया। कब भेजा गया, 1858 को बहादुर शाह जफर को और उनकी पत्नी जीनत मैन को रंगून की जेल भेज दिए, ठीक है। 1858 बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी दोनों को जीनत को अब रंगून जेल भेज दिया गया और 1862 नवंबर 10 मार्च पर उन्हें प्राण त्याग दिए और वहीं रंगून की जेल में ही 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। अंग्रेजों
सारे लग रहा था कि उनको शासन चलाना आसान नहीं, जो पुराने नियमों से चल रहे अब विद्रोह बढ़ गया था, तो उन्हें लगता था कि इन नीतियों से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उन्होंने और कुछ नियमों में बदलाव किया। पहला बदलाव किया 1858 में ब्रिटिश संसद ने, 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक नया कानून लागू किया, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में ले लिए गए और वहाँ से एक व्यक्ति को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उस व्यक्ति की मदद के लिए एक परिषद का गठन किया गया और जिसे इंडियन काउंसिल का नाम दिया गया। एक इंडियन काउंसिल नाम की परिषद गठन की गई, इसमें एक मंत्री ब्रिटिश की तरफ से आया, उसे मुद्दे लिख दिया गया और सारे जो कंपनी के अधिकार थे वो ब्रिटिश साम्राज्य में संसद ने अपने अधिकार में ले लिए। ठीक है, उसके बाद भारत में गवर्नर जनरल को वाइस राय का ऑर्डर दिया गया। भारत में जो गवर्नर जनरल था उसको वाइस राय का ऑर्डर दे दिया गया। दूसरा था, देश के सभी शासकों को यह विश्वास दिलाया गया कि अब उनकी जमीन पर कोई कब्जा नहीं करेगा, जो जमीन उनकी है जो वो अपने पास कर सकते हैं, अपने वंशजों को दे सकते हैं, अपने दत्तक पुत्रों को दे सकते हैं, जैसे चाहे वो कर सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया, भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अपने शासन चलाने की अनुमति दे दी गई। तीसरा चेंज किया, सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निश्चय किया। भारतीय सेना की जो सिपाहियों की भर्ती थी उसे कम कर दिया गया और यूरोपियों की भर्ती को बढ़ा दिया। भारतीयों की जो भर्ती थी उनमें सिर्फ गोरखा सिख और पठानों को ही भर्ती किया गया। जो भारतीय सिपाहियों को भर्ती करना था उनमें सिर्फ गोरखा थे, सिख थे और पठान थे जिन्हें सेना में भर्ती किया गया था। चौथा, उन्होंने सबसे बड़ा बदलाव किया, उन्होंने मुसलमानों की भूमि और संपत्ति पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें शक, हमें मुसलमानों पर शक है कि मुसलमानों ने ही इस विद्रोह को फैलाया। उन्होंने उन्हें शक और शक की निगाह में शत्रुता की भाव से देखा मुसलमानों को और हिंदुओं को उनकी जमीनें वगैरह दे दी और उनकी पुष्टि के अधिकार वापस दे दिए। इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालने का काम किया। उन्होंने भारत में हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जिससे उनका साम्राज्य उसी तरीके से बराबर चलता रहा। उन्होंने सबसे बड़ा बदलाव यही किया कि उन्हें आपस में लड़वा दो और हमारा शासन चलता रहे, यही ना हो पाए। तो बच्चों, आपने देखा